तो आपको याद होगा मैंने आपको दूसरी क्लासेस में, दूसरी या तीसरी क्लासेस में मैंने आपको एरे की एक फाइल भेजी थी, इसमें कुछ फॉर्मूले थे, कुछ क्वेश्चंस थे। तो हाँ, तो कुछ लोग भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भेजा है, कुछ लोग किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो चलिए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मुझे, मेरे पास एक स्टार्टिंग डेट है और एक एंडिंग डेट है, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, कौन सा? नंबर ऑफ सैटरडे, नंबर ऑफ संडे, कि इन दोनों डेट के बीच में कितने सैटरडे हैं और कितने संडे हैं। कंप्यूटर क्या आ रहा है, ब्रेक हो गया है वॉइस? मेरी वॉइस ब्रेक हो जा रही है, नहीं तो ठीक है। अब ठीक है? नहीं सर, वॉइस अब मेरी ठीक आ हो रही है रही सर। है, क्या आ रहा है? अब ठीक आ रही है नहीं, सर? सही आ रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि जो हम क्वेश्चन हमने बताया आपको कि दो डेट के बीच में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सैटरडे या नंबर ऑफ संडे, यानी कोई भी पर्टिकुलर एक डेट को हमें करना है, काउंट करना है। तो हालांकि इस चीज के लिए एक्सेल में 2010 ऑनवर्ड बड़ा अच्छा फीचर्स है, हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, जो लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट है उसमें एक प्लस वन कर दीजिए, नहीं प्लस वन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां भी हम कर सकते हैं नेटवर्क डेज डॉट आईएनडीएन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और फिर इनके बीच का डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस के लिए हम सैटरडे है तो सैटरडे सेलेक्ट कर लिया। तो ये नेटवर्क डेट डॉट आईएनटीएल क्या करेगा, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में जब इसको पढ़ाया था तो मैं बताया था आपको कि ये दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, जिसमें जो पर्टिकुलर डेट आप सिलेक्ट करते हो वो पर्टिकुलर डेट को स्किप कर देता है, ठीक है। तो इसने जो है इसको स्किप कर दिया, किसको स्किप कर दिया? सैटरडे को स्किप कर दिया। अब सैटरडे जब था तो उस क्या था, और सैटरडे जब नहीं है तो क्या है, और इसमें आपको एक प्लस वन करना पड़ेगा, एक प्लस वन आपको करना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ विपिन जी, कुछ प्रॉब्लम है आपको? आवाज ही नहीं आ रही है, ब्रेक सेंड हो भी रहा है। करना पड़ेगा। राहुल, रोमिल, आपको भी आवाज सही आ रही है? आपको भी प्रॉब्लम है? परफेक्ट है सर। आवाज आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है सर। सर राहुल, मेरे वही पास सही आ तो रही है यहाँ आपकी। पे लग रहा है आप लोगों की इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर, क्योंकि मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी ना, किसी को प्रॉब्लम है किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा सिस्टम तो सही चालीस से एमबी काम सर कर रहा है। 40 MBPS है। वो तो सही है, लेकिन मेरा सिस्टम तो सही टेलीकास्ट कर रहा है ना, राहुल के पास बातें पहुंच रही है, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है। कोई सर एकदम कट कट के आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा बात कि नहीं, बोल क्या रहे हैं। रीज्वाइन करके देख लीजिए एक बार। एक बार से फिर से रुकिए, करता हूँ मैं। हाँ रीज्वाइन आप लोग कर लीजिए। नीरज जी, आपको आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ जी सर, सही है, आवाज सही है आपकी। देखिए अगर सबको एक साथ प्रॉब्लम होती है तो मेरे एंड से प्रॉब्लम होती है। आवाज भी सही आ रही है सर, आवाज कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपिन जी आप रिज्वाइन कर लीजिए, और रोमिल अगर आपको तो आप भी रिज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, रिज्वाइन करने पे सही हो जाता है। मैं रीज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट सर। ये एक कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, जो आपने ये डिफरेंस तो निकाल दिया। पहले से 29 डेज आ गए टोटल, ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंस निकाला आपने, 26 डेज आ गया उसके थ्रू। सॉरी, सैटरडे संडे नहीं, क्या संडे काउंट किया? अभी ओनली संडे, सैटरडे राउंड किया हमने। ओनली सैटरडे, तो ये 26 आ गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 3 है ना, तो +1 क्यों किया, मतलब रीजन क्या है? एक कम आता है हमेशा, जिसलिए आपको एक अच्छा, जोड़ना पड़ेगा। एक कम आता है। जैसे कि आप इसमें, इसमें नहीं जोड़ना था, आई थिंक हमें इसमें जोड़ना था, माफ कीजिएगा मैं गलत। अच्छा, मतलब
ये जो 29 है वो 30 होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ हाँ क्योंकि ये 30 30 नवंबर पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए तुमने ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक कैलकुलेशन आप 2010 2013 एंड उससे जो अपर वर्जन है उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि मैं इसका यूज 2007 पे करूं तो 2007 पे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2007 पे नेटवर्क डेस्क डॉट आईएनटीएल नाम का कोई फंक्शन नहीं है। नहीं है सर, अब मेरे पास सर मेरे पास 2013 का 2013 ऑफिस का डाल रहा हूँ, उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है अभी वो, क्योंकि ये तो देखना पड़ेगा। मैंने कर लिया, वो क्या हो रहा है, बस प्ले हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब ये तो कैसे कर सकता हूँ सर, स्क्रीनशॉट भेजो फिर देखूंगा, या फिर कोई सर प्ले हो रहा है, टेक्निकल डाउनलोड क्या आप फ्यूज की बात कर रहे हैं आप? जैसे सर वीडियो जो आप अपलोड करते हैं उसमें की बात कर रहा हूं मैं, कि जैसे कि वीडियो क्या होता है कि प्ले होता है, डाउनलोड नहीं होता है। नहीं, डाउनलोड होगा, उसको राइट क्लिक करेंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव वीडियोस करेंगे तो सेव हो जाएगा वो। आवाज थोड़ा सा उस जो ऊपर वीडियोस से में जो, क्लियर नहीं है। हाँ और जो नहीं, जैसे जो डाउनलोड का ऑप्शन आता है, पहले तो मैं डाउनलोड पे ही क्लिक कर देता था, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता था, दूसरे दूसरा एक टैब खोलता था उसमें। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ब्राउजर सर भी एक मिनट इसमें बाद में करके डिस्कस करें सर, वरना क्लास का होगा। हाँ जी, टॉपिक हाँ जो जी है सर, ना, ठीक है, ठीक, क्लास के टॉपिक जो है ना बिगड़ जाएंगे, ओके ओके। ठीक है ना। और वीडियो का हमने सिस्टम चेंज कर रहे हैं क्योंकि मेरा वहाँ स्पेस फुल हो गया है, मेरे 600 GB का स्पेस फुल हो गया है, और मेरे होस्टिंग वाले से बराबर फोन आ रहा है कि सर बहुत ज्यादा हो गया है। तो सर आप न्यू फाइल भेजेंगे हमें? वही तो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो कहाँ अपलोड करूँ, तो मेरा एक तरीका मिला, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा लेकिन प्राइवेट कर दूंगा, जिस जिसकी मेल आईडी पे भेजूंगा वही लोग यूज कर पाएंगे। हाँ ऐसा कुछ कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा हाँ तो वही है, सर। तो जो जी कि क्या बोले। जो हाँ अकाउंट में वो तो रहेगा। मैं मतलब कि मैं वीडियोस प्राइवेट वीडियो में क्या होता है, एक वीडियो एक सिस्टम में यूट्यूब पे देखा हूं मैं कल, कि प्राइवेट वीडियो करने से क्या होता है, खाया तो आप प्ले करेंगे या फिर जिस 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 ईमेल आईडी को आपने असाइन किया है वो यूज करेंगे। समझे कुछ कि नहीं वो समझे? डाउनलोड हाँ तो वो मेरा ज्यादा हाँ बेटर होगा आपके लिए भी, वो हमारे उस पे स्पेस भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो वही है, तो क्योंकि 600 GB आप सोचो सर, 600 GB स्पीड यूज हो चुकी है, वो सर प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट, तो वो और शेयर सर्वर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार मेरा वेबसाइट सर्विस प्रॉब्लम में चला जाता है। हेलो हाँ हाँ बोलिए सर। सर, वो फाइल डाउनलोड हुई ना YouTube जो में आप तो YouTube पे हाँ, वो YouTube प्राइवेट कर दे, वो YTT कर लोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और एक बार टेस्ट करना होगा सर। अभी तो मैं जस्ट सोचा है, 4 दिनों से मैं ही सोच रहा था, तो रिसर्च निकाला मैंने कि अच्छा ऐसा करना चाहिए मुझे। अब मैं कल तो परसों छुट्टी है, तो कल परसों बैठ कर फाइल पे काम करूंगा, सारा कोडिंग चेंज करूंगा और फिर नया चीज बनाऊंगा, क्योंकि हर चीज चेंज करना पड़ेगा ना। तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो कल मैं कल से करना, या फिर देखता हूँ कि अगर मेल, अगर मैं यूट्यूब पे मैंने मेरा ये डाला था आप लोगों के पास मेल चला जाएगा तो और अच्छा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, मुझे फिर फाइल भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे लिंक, जैसे आपने पढ़ाया, जो लिंक आप भेजते हो सर वो भी तो बेटर है, यूट्यूब से डाउनलोड हो जाता। हाँ वही करना, लेकिन वही प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड्स नहीं रख पाता ना कि किस भी कौन सा वीडियो है, तो देखना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ से कुछ करूंगा, बाद में बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है कल मैं लिंक बैठूंगा। लिंक से यूट्यूब पे क्या कनेक्शन है? इस मैं लिंक से यूट्यूब पर क्या कनेक्शन है? बताऊंगा सर, पता चल जाएगा आपको, ओके ओके थोड़ा सा रिसर्च करने दीजिए ना मुझे थोड़ा सा। ओके तो यहाँ बैक टू टॉपिक, तो प्रॉब्लम है कि दो डेट के बीच में नंबर ऑफ सैटरडे नंबर संडे कैसे काउंट करें, इसके लिए हम एरे इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि 2007 में कोई इसके लिए फंक्शन नहीं है, और ना कोई तरीका है एरे के अलावा। अब यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ।
यहाँ पे जो हम माने कि करेंगे क्या करेंगे, पहले पहले कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट यह है कि इसमें हम पहले तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पूरा का पूरा डेटा, डेट आ गया 1 सेकंड तक, फिर हर डेट को हम चेंज करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे करेंगे डीडीडी आ जाएगा। ठीक है सर। ओके और फिर कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए ग्रेट सॉरी ए इक्वल टू सैटरडे, सैटरडे है तो यहां पे 1 दे अदरवाइज 0 दे। कंडीशन क्या दिया कि 1 है तो 0 दे, अदरवाइज 1 सैटरडे है तो 1 दे अदरवाइज 0 दे, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर दे, जहां जहां सैटरडे है वहां वहां 1 आ जाएगा। अब यहां पे हम कर देंगे इक्वल सम और यहां पे 4। ठीक है, रिजल्ट आ गया मेरा। तो इसी कंसेप्ट को हम एरे के साथ कैसे करेंगे देखिए। इक्वल सम इफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में इसको सेलेक्ट किया और प्लस रो 1 से लेके 30 तक। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें A1 में प्लस 1 होगा तो एक तो 2 तारीख बन जाएगा ना, A4 में प्लस 1 होगा, ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूं फिर समझाता हूं। DDD इक्वल टू सैटरडे तो 1 अदरवाइज 0, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो रिजल्ट अभी सही आ रहा है, लेकिन कभी 1 तारीख को अगर सैटरडे पड़ गया तो रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो यहां पे किया है क्या कर रहा है, एक फॉर्मूला कर क्या रहा है, इस चीज को समझिएगा तो पता चलेगा कि ये हमारा डेट है इन द नंबर फॉर्मेट 42675, और यहां पे नंबर्स है, तो ये रो क्या किया 1 से लेकर 30 तक टूट गया ताकि लूप जनरेट कर सके, तो 1 से लेकर 30 तक ये टूटेगा, तो ये क्या करेगा प्लस कर दे। अब देखिए 42 100 यहाँ पे जो 75 था वो 76 हो गया, मतलब कि 1 नवंबर जो है वो 2 नंबर बन गई, मतलब 1 नवंबर स्किप हो गया और 30 के बाद सीधे 1 दिसंबर आ गई, मतलब 1 दिन बढ़ गया। प्रॉब्लम समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा -1 कर दूंगा। -1 करने से फायदा क्या होगा कि अभी क्या है कि ये क्या आपका 42 675 है, मतलब कि 1 नवंबर, 1 नवंबर में ये +1 होगा तो देखिए 42 676 आ गया, फिर -1 मतलब कि हर नंबर में से 1 माइनस कर देगा, तो आ गया 75 से 704 तक। और फिर टेक्स्ट क्या करेगा सैटरडे संडे में कन्वर्ट करेगा, देन इफ इक्वल करेगा, जहां जहां ट्रू होगा वहां 1 देगा, जहां फॉल्स होगा 0 देगा, एंड सम जितने भी 1 है उसको सम कर लेगा। समझ में आया? यस सर। रोमिल राहुल यस सर। संदीप जी यहाँ पे जो रो है, रो के साथ इंडायरेक्ट यहाँ पे भी लग सकता है, मतलब क्या उसमें की रेंज घट गई भी तो पहले से 130 किया। नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्योंकि ओके यहाँ पे हमने 30 नवंबर किया, अगर मान लो कि मुझे अगर 15 दिन का देखना होगा, 15 दिन के अंदर में क्या है या 2 महीने के अंदर में क्या है, तो 30 तो फिक्स हो गया ना, ये तो डायनेमिक नहीं हुआ। हाँ जी तो डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, तो डायनेमिक करने के लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा क्या, तो इसके लिए हम जी। इनडायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि इनडायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे इसको एंड और हम दैट माइनस दैट कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि फिर 29 आएगा तो आप +1 कर दीजिए। ठीक ओके है, ओके
29 आया था ना यहाँ पे, यानी 29 के लिए प्लस किया था। हाँ जी यार, और फिर रो को क्लोज करें एंड कंट्रोल से एंटर, और यहाँ एक वाइकल ज्यादा है, कंट्रोल से एंटर, कंट्रोल से एंटर, फोर आ गया। अब ये ऑटोमेट हो गया कि मैं यहाँ पे अगर 5 दिसंबर करूं तो भी चेंज हो जाएगा, तो ये डायनेमिक हो गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को जी। तो सैटरडे संडे मंडे जो भी डेट निकलना चाहो बस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपका निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा चेंज चेंज ये है कि मुझे यहाँ पे मेरे पास डेट डला हुआ है, बिटवीन टू डेट डला हुआ है, ठीक। इसमें मुझे चाहिए सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे की डेट चाहिए हमें। जैसे होता है ना किसी की सेकेंड सैटरडे छुट्टी होती है या लास्ट सैटरडे हाफ डे होती है, छुट्टी होती है, तो ये आपको निकालना है कि वो छुट्टी कब है, ताकि आप बाकी की जो रोस्टर है, अटेंडेंस है और बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते। जी तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं सेम से, पहले कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट में हम पहले 1 अप्रैल से सेम वही लूप जनरेट करेंगे कि इक्वल प्लस वन, ठीक है। फिर कंडीशन देंगे कि इफ इफ नहीं, यहां पे टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया कॉमा डी डी डी, ठीक है। और सेम इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो डेट है, अदरवाइज कुछ फॉल्स कर दे तो डेट आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, सेकेंड सैटरडे। तो आप याद होगा मैंने आपको एक स्मॉल फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर में आप पूरी की पूरी रेफरेंस को सिलेक्ट कर लो और कॉमा उसमें जो नंबर है वो नंबर दे दो तो वो आपका आ जाएगा। तो 9 सितंबर आ गया, मतलब कि दूसरा नंबर यहाँ आ गया। तो कंसेप्ट नंबर दो सेकेंड से देख लीजिए। हाँ सेकेंड से पढ़ रहे, दो दूसरा नंबर हमने टॉप फाइव टॉप टॉप फाइव के बॉटम फाइव के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरह का। हेलो सुजीत सर। हाँ जी, स्मॉल का फॉर्मूला क्या करता है सर? स्मॉल का फॉर्मूला करता है कि अगर आपने आप मिनिमम फॉर्मूला जानते हैं क्या करता है? सर मीड मीन फॉर्मूला करता है कि इसमें से मिनिमम वैल्यू होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि 12 के बाद सेकेंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये पता लगाना मुश्किल है। नहीं मीन से लगेगा तो स्मॉल फॉर्मूला इसी के लिए वर्क करता है कि स्मॉल इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला 2, मतलब कि नीचे से दूसरे पायदान पे कौन सा नंबर है, तो 12 के बाद 19 है। और सेम आप मैक्स फॉर्मूला यूज करते हो तो मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, मैक्स वैल्यू निकालता है, लेकिन मैं चाहूँ 96 के पहले कौन सा नंबर है, तो उसके लिए हम लार्ज का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा 2, तो ये आपका 96/85 है। ऐसे जो नंबर डालोगे वो नंबर सिक्वेंसली आपको शो करेगा। तो यहां पर मुझे सेकेंड सैटरडे चाहिए तो सबसे छोटा डेट ए है और इसके बाद डेट ए है, तो हमने इसमें स्मॉल लगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि इसमें सबसे पहला सैटरडे उस महीने की फर्स्ट सैटरडे का डेट निकालना है तो हम यहीं पे स्मॉल की जगह मीन का इस्तेमाल कर दें, ठीक है। अच्छा यहीं पे मुझे अगर लास्ट डेट लास्ट सैटरडे का डेट चाहिए ना, लास्ट सैटरडे, तो सेम रहेगा, इसमें हम लार्ज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और लार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे और कॉमा कर देंगे यहाँ पे 1, तो सबसे लार्ज यूज होगा या फिर मैक्स भी कर सकते हैं। इसमें लार्ज और मैक्स बिल्कुल सेम हो, 1 अगर लिखते हैं तो दोनों में सेम फीचर्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है बट प्रॉब्लम है कि ये तो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट हुआ। हाँ कुछ पूछ रहे हैं कोई? जैसे सर वहां पर सेकेंड है तो वहां पे मैं फोर भी डाल दू तो लास्ट तो दिखाई देगा साइडेड है ना वो तो। नहीं अगर हम यहाँ पे फोर कर दिया तो फोर फोर सैटरडे आएगा ना, क्योंकि फॉल्स को नहीं रीड करेगा ना, नंबर्स को रीड करेगा ना इसमें से वो, तो इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा, इसको शो कर देगा। क्या हाँ जी बोलो क्या प्रॉब्लम है नीरज जी बताइए क्या इसमें, ये कोई रॉकेट साइंस वाली फॉर्मूला नहीं है, छोटी सी स्मॉल की फॉर्मूला है, क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है समझने में बताइए आप, खुल के बताइए दिक्कत ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए इस सेकंड सैटरडे का पता चल गया, फिर नेक्स्ट सेकंड सैटरडे जो होगा तो उसका फिर तो वहीं पे वो रिजल्ट शो करेगा, लगाना पड़ेगा वो। और नेक्स्ट सैटरडे मतलब नेक्स्ट सेकंड सैटरडे हो गया, नेक्स्ट सेकंड सैटरडे क्या होता है? नहीं मतलब वो जो लास्ट होता है जो एक मंथ में चार होते हैं ना लगभग, तो हर सेकंड सैटरडे ऑफ होता है। जो सेकंड सैटरडे मान लो कि सेकंड सैटरडे ऑफ है उस महीने की तो उसका डेट आएगा। अच्छा अल्टरनेट थोड़ी होता है कि दो सैटरडे छुट्टी होगी फिर एक सैटरडे वर्किंग होगा फिर दो सैटरडे छुट्टी होगी, तो मंथ के हिसाब से होता है ना कि हर महीने की सेकंड सैटरडे हो या जो भी हो, तो वो ऐसा होगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला दूसरा सोच सुधर जाएगा। अभी क्वेश्चन नहीं आएगी सर, अगर हम पूरे साल बोलिए पूरे साल का निकालना हो तो यार हमने बिटवीन डेट्स का निकाला हुआ है ना, साल पूरे साल का हो डेटा, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ पूरे साल का डेटा मतलब समझाने क्या बोलना चाह रहे हो, जैसे पूरे साल के जैसे 12 महीने में सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे है वो किस डेट को आ रहा है ये हमें चेक कर रहे हैं, तो ये तो हम 1 से 30 तारीख तक चेक कर लिया ठीक है, आसमान का फॉर्मूला लगा दिया। एक मिनट यार, यहाँ अभी क्या बताया मैंने आपको, ये हमारा कंसेप्ट था, ये हमारा एरे था, तो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, जब तक इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो एरे कैसे समझ में आएगा। यस सर, यस सर, मैंने कंसेप्ट समझ रहा हूँ कि कैसे हम सोचेंगे, कौन कौन फॉर्मूला लगाएंगे, यही दिक्कत होती तभी एरे समझ में नहीं आता है, पहले उसको मैनुअल करने की कोशिश करो। देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने पहले प्लस किया फिर हमने टेक्स्ट लगाया देन इफ लगाया देन सम लगाया, सेम चीज मैंने यहां भी कर रखी है ना। अब एक एक डॉट को तोड़ने के लिए हमने यही पर प्लस रो किया हुआ है, प्लस रो किस लिए किया हुआ है, ताकि ये जैसे यहाँ टूट के 130 तक आया है तो ये भी एक टूट के 130 तक जाए, एक एक दिन का चेक करें टेक्स्ट, ठीक है। तो यही पे हम करेंगे यहाँ पे स्मॉल में हम देंगे इफ, इफ के अंदर होगा टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर होगा ए में प्लस रो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लगा दू, डायरेक्ट लगा देता हूं, वन स्लैश एंड लास्ट डेट माइनस ओल्ड डेट प्लस वन। अब इक्वल टू हो जाएगा, इससे कॉमा होगा ना, कॉमा डी 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 एंड इक्वल टू होगा जो भी सैटरडे वगैरह है वो सैटरडे, एंड ऐसा हुआ तो फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें डेट के लिए, डेट शो करने के लिए। एंड इफ को क्लोज किया एंड कॉमा टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया 9 अप्रैल। अब ये परफॉर्म कैसे कर रहा है इसको समझ लीजिए एक बार, सेम जैसे आपने यहां बताया हो सेम फंक्शंस है यहां पे। तो क्या हुआ, सबसे पहले ए 42361, अब इसमें दिक्कत आई, हमने माइनस वन नहीं किया था, हमें यहां पे माइनस वन करना होगा, माइनस वन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एवेलेट फॉर्मूला स्मॉल
बयालीस 401 मतलब कि 1 अप्रैल की डेट हैव लेट। अब इसमें क्या हुआ कि दो डेट का बीच का डिफरेंस निकाला है, कितने दिन का चेक करना है, 29 दिन का चेक करना है, लेकिन एक कम होता है इसे हमने प्लस कर दिया, 30 हो गया। इनडायरेक्ट ने इसको कंबाइन किया और हो जाएगा ये बन के रो को मिला 1 से 30। रो क्या किया, सिक्वेंस में 1 से 30 में टूट गया, जिसके कारण जिसमें प्लस हुआ, इस कारण यहाँ पे 1 से लेके 30 तारीख तक की डेट यहाँ पे शो होगी। लेकिन यहाँ 1 से नहीं है, 2 से लेके 1 तारीख की डेट है, मतलब कि एक दिन बढ़ गई है, 30 से आगे बढ़ गई, क्योंकि प्लस जो हुआ था 1 से हुआ था, कि प्लस 0 से होना चाहिए था, लेकिन रो फॉर्मूला 0 एक्सेप्ट नहीं करता, तो -1 हमने कर दिया ताकि वापस सही हो जाए, 461 से हो जाए, मतलब कि 1 अप्रैल से हो जाए। फिर टैक्स फॉर्मूला ने क्या किया, इसमें से एबीसीडी मतलब सैटरडे मंडे को में कन्वर्ट कर दिया, कौन कौन सैटरडे है, कौन कौन संडे है, वो बता दिया। अब इफ क्या करेगा, चेक करेगा, जैसे यहाँ पे इफ चेक किया है, जहां जहां सैटरडे होगा वहां वहां उसकी डेट डाल देगा, क्या डाल देगा, डेट डाल देगा। तो डेट कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, सेम प्रोसीजर से ये डेट है, तो जहां जहां ए हुआ वहां वहां इसने डेट को डाल दिया, जहां जहां डेट मिला उसका जो लास्ट 2 है वो लास्ट 2 यहां पे निकाल दिया, 10 अप्रैल, नहीं 9, एक मिनट, मुझे यहीं पे माइनस करना चाहिए था, गलती होगी, यहां हमने माइनस नहीं किया ना, -1 करना होगा, 9 पे आना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हाँ अब सही आ रही है, ठीक है। यस सर। और लास्ट इसके लिए लास्ट सैटरडे की सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे स्मॉल के जगह पे लार्ज हो जाएगा और यहाँ 2 के जगह पे 1 हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर आ गया, 30 अप्रैल इधर लास्ट सैटरडे। किसी को डाउट, किसी को डाउट है इसमें, अब इसमें बाकी कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द एग्जैक्ट वर्किंग आवर ऑन अ प्रोजेक्ट। हुआ क्या कि मैं 23 सितंबर 2015 को दोपहर के 2 बजे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया और खत्म मैंने 25 तारीख को 15 बजे किया, मेरी शिफ्ट 9 से 18 चलती है और 9 घंटे में डेली काम करता हूं मंडे टू फ्राइडे, तो मेरा एग्जैक्ट वर्किंग आवर कितना हो, कि मैं इस प्रोजेक्ट पे मैं कितना घंटा काम किया। हालांकि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो आप उसको समझ के, इससे कोई बेटर फॉर्मूला हो तो आप बताइएगा, ठीक है। 46 घंटे मैंने यहां निकाला हुआ है, मेरा रिजल्ट 46 घंटे का है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने बताए रखा हूं कि जो भी नंबर यहां दिए हुए हैं उसको आपस में सम करना है। पांचवा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन एरे के थ्रू काफी मतलब मैंने अभी तक इसको बनाया नहीं एरे के थ्रू, लेकिन बहुत सारे किसी स्टूडेंट ने बना के मुझे नहीं दिया है और मैं भी इस पर अभी तक काम नहीं किया हूं। क्वेश्चन यही है कि जितने भी टेक्स्ट है उसको आपस में माइनस करना है, डैश का लगाना है, इसमें कंबाइन करना है, है कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं वो लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एक गुजरात का बंदा था, कच्छ का, उस जयदीप नाम का लड़का था, उसने करके दिया था, लेकिन मैं उसकी फाइल लॉस कर गया, मैं उसको समझ नहीं पाया, तो आप लोग इस पे रिसर्च करके देखिएगा। हालांकि मैं इसको वीवीए से कर दिया था मैंने,
छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो इसमें से नंबर को स्ट्रैक करना है, हालांकि मैं फॉर्मूला लगा रखा हूं, आप समझ के आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि इसमें से सिर्फ नंबर को स्ट्रैक करना है। क्वेश्चन सेवन है कि इसमें क्या है, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। अब इसमें क्या है कि नेम है, आईडी है, अमाउंट है, नेम है, आईडी है, अमाउंट है। और जैसे यहाँ अमाउंट हुआ तो यहाँ अमाउंट वन हो सकता है, या एमआरपी हो सकता है, या प्राइजेस हो सकता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पे एमआरपी, 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 तो इस तरह से डिफरेंसेस है जो कि मैं समी वगैरह नहीं लगा सकता, कि कंडीशन मैच नहीं हो रहा है इसलिए नहीं लगा सकता। बस एक ही कंडीशन है कि वो हर तीसरी रो पे है, समझ गए, कि वो हर तीसरी रो पे है। तो मुझे यहां पे सम करना है इसका, कि हर थर्ड डेटा को सम कैसे किया जाए। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, इसको समझिए और आप इससे इसके फॉर्मूला को या इससे बेटर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें। अब इसमें डेटा है हमारा, इस डेटा में कितने यूनिक नंबर है वो निकालने हैं, मतलब कैसा नंबर जो मोर देन वन टाइम नहीं सिर्फ एक ही बार है, वो नंबर आपको यहां से चेक करने हैं। नॉर्मल नंबर क्वेश्चन है कि देखिए एक कैलेंडर हमने बना रखी है, इसमें हम जो सा ईयर डाले या जो सा महीना डाले वो महीने में कन्वर्ट इसका आपका आ जाता है, ठीक है, दिख रहा है आपको, जो महीना जो साल वो कैलेंडर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह का कैलेंडर क्रिएट करना है। एंड 11वां नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक ये मैं बता भी चुका हूं आपको, कि जो लास्ट में वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को शो करना है। और ये हमारा आपके वीकेंड का सवाल है कि आप डैशबोर्ड के बारे में रिसर्च करें और कोई एक डैशबोर्ड बनाए, चाहे जैसा भी हो, आप अपने दिमाग में, अगला क्वेश्चन अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है वो डैशबोर्ड का ही आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने हिसाब से कुछ डैशबोर्ड बनाए, ताकि मुझे आप लोगों की डैशबोर्ड की हेलो कुछ पता चल सके कि आप कैसा सोचते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड होता है कोई सर, एक्चुअली ये बता दीजिए क्या सर, डैशबोर्ड में कैसे रिपोर्टिंग बनती है सर, वो चीज बताएं सर। वो तो सर डैशबोर्ड क्या होता है, कैसे कैसे बारे आपने पूरी बात सुनी, आपने पूरी बात, मैंने क्या बोला आपको कि आप डैशबोर्ड पे रिसर्च करो और बताओ, ताकि मुझे पता, आप खुद बना के बताओ कोई एक डैशबोर्ड इंटरनेट से कहीं से भी रिसर्च करके, ताकि मुझे पता चले कि आप डैशबोर्ड पे क्या सोच कैसे सोचती हो, क्योंकि अगला चैप्टर आपका डैशबोर्ड का है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल लूंगा, ताकि आपके सर के ऊपर समझ आए। हेलो समझ गए, मैं डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप डैशबोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो नहीं, आप जो रिपोर्ट भेजोगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ कैसे सोचते हो। हाँ, और कौन हेलो हेलो कर रहा था, एक क्वेश्चन था सर, पूछिए एक या दो पूछिए। स्लाइसर जो यूज करते हैं हम लोग सर, तो उसमें जो स्लाइसर लगाते हैं तो यूनिक वैल्यू वो मतलब कि निकाल लेता है, तो जैसे कि यूनिक वैल्यूज बहुत ज्यादा आ गए तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ कम ही रहे, जैसे कि वन से सिर्फ 100 तक रहे, या फिर वन से लेके 5 तक ही सिर्फ, मतलब कि वो स्लाइसर में सिर्फ शो करे, तो वो कैसे करेंगे सर। उसके लिए फिल्टर, आप डेटा में फिल्टर लगा दीजिए, टॉप 5 का डेटा में फिल्टर लगा दीजिए। हाँ, वो जो जिस जिस स्लाइसर जिस फील्ड का है उस फील्ड को फिल्टर में डाल के फिल्टर कर दीजिए, बाकी डिसेबल हो जाए, वो हो सकता है कि नहीं हो, या हो सकता है हो भी तो डिसेबल रहेगा। मैंने थ्योरिकल थ्योरिकल बताया, मैंने प्रैक्टिकल नहीं है, आप एक बार करके देखिएगा, अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर मैं कुछ रिसर्च करूंगा। और कुछ कुछ बोला था स्लाइसर जी,
स्लाइसर अभी हमारा पूरा नहीं हुआ ना, स्लाइसर कट ऑफ पे यार बात करते हैं। स्लाइसर बता चुका हूँ ना, पिवट तो पूरा बना चुका आप लोगों को, पिवट तो स्लाइसर का पार्ट, स्लाइसर पिवट का पार्ट है ना। अच्छा पिवट। हेलो सुजीत सर। हाँ बोलिए। ओके ओके डिफरेंट पार्ट। हाँ संदीप बताओ। वो सर पेज स्पेस में एक ऑप्शन होता है ना ऑल यूजिंग सोर्स थीम, उसको कैसे यूज करते हैं? उसके लिए पेज लेआउट पढ़ना पड़ेगा। पेज लेआउट सर? पेज लेआउट के अंदर में आप ये थीम पता है आपको, थीम क्या होता है पता है दूसरे सर? एक सीट का स्ट्रक्चर होता है कि सीट का कॉलम का डिफॉल्ट साइज क्या होगा, जो हम आए लेते हैं क्या बोलते हैं, जो हमारे फिगर्स हैं डिफॉल्ट कलर्स है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ से हम सेट करते हैं, समझे? जैसे कि हमने अगर इसको हमने आयरन रख दिया तो ये आपका पूरा जो है अपने हिसाब से इस पे ऐसे नहीं बताएगा, कोई ये लो ना ग्राफ लो तो पता चलेगा, इंसर्ट ग्राफ नहीं मतलब कि कोई एक टेक्स्ट ग्राफ भी होगा, जैसे कलर रेड है ना। अब लेआउट पे जाके मैं यहाँ पे जैसे जैसे कलर चेंज कर रहा हूँ अलग हो रहा है, डिफॉल्ट इसका सिस्टम है। तो थीम नहीं, आप लोग मोबाइल फोन में थीम यूज नहीं करते हैं? नहीं सर, मैं सर पेज स्पेस में पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको सर कि ये जो चीजें यहाँ सेट करते हैं, अब यहाँ से आप कोई डेटा कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इसकी जो थीम है वो थीम पेस्ट होनी चाहिए, सोर्स की थीम पेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो पेज स्पेस यूज होता है, समझे? आप इसकी थीम चेंज कीजिएगा फिर पेस्ट कीजिएगा, आपको पता चलेगा वो थीम चेंज हो जाएगा वहां पे, एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है सर। हां बोलिए लतीफ जी। सर ये पूछना था ना सर कि एमएस वर्ड में जैसे कि टेबल्स सब बहुत सारे बने हुए रहते हैं, तो मतलब कि एक 100 पेजेस हैं उसमें और सब में टेबल्स क्रिएट किए गए हैं, मतलब कि एक रिजल्ट है, तो उसको मैं मतलब कि इसमें लाना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं एक्सेल में उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो वो हो ही नहीं रहा सर, उसमें समझ ही नहीं रहा कैसे करेंगे उसको। अब सर ये एक्सेस कैसे बना दूँ आपको, कैसे बता दूँ बताओ? एमएस वर्ड में सर। एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ। यस सर, एमएस वर्ड में सर टेबल सब जो रहते हैं ना सर, उसको मुझे लाना है इसमें एमएस एक्सेल में सर। तो कॉपी पेस्ट कर दो सर, डेटा बहुत है ना, डेटा मतलब कि 100 पेज से अबव है, पूरा कंट्रोल ले लेंगे कॉपी पेस्ट मार दो। तो बीच में सर हेडर फुटर भी आते हैं और फिर हेडिंग्स आ जाती हैं? नहीं नहीं, हेडर फुटर तो नहीं आएगा। हाँ वो तो आएंगे तो डिलीट करना पड़ेगा आपको, मतलब फिर से पूरी डिलीट करना पड़ेगा। अगर उसमें टेबल फॉर्म में अगर डाला हुआ है तो टेबल कॉपी करके ला सकते हो आप, नहीं समझे? नहीं सिस्टम सर हैंग कर जाता है, डेटा बहुत था ना उसमें। वर्ड जो है ना डेटा रखने के लिए नहीं बनाया गया था, वर्ड बनाया था राइटिंग के लिए, लेकिन लोग डेटा रख देते हैं। देखिए आपने इसको पेस्ट कर दिया ना, ये आपका टेबल है ना, तो जब टेबल पे क्लिक करते तो ऊपर ही दिखता आपको इस तरह का प्लस का निशान है, तो क्लिक कीजिए और कॉपी करके पेस्ट मार दीजिए एक समय, समझे? यस सर। तो जब क्लिक कीजिएगा तो ऊपर दिखेगा आपको यहाँ इस तरह का निशान, क्लिक करते इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यार राइट क्लिक करें कुछ हो सकता है, नहीं राइट क्लिक करके नहीं, अच्छे से ठीक है।